हमारे विशेष कार्यक्रम छोटी सी मुलाकात में मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा और आज मुलाकात करवाएंगे कर्मचारी अधिकारी संघ प्रदेश अध्यक्ष से। मध्य प्रदेश में 52 ऐसे संगठन हैं जो कर्मचारी और अधिकारियों के हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतेन सिंह जी। उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आखिर कर्मचारी अधिकारियों की आगामी क्या भूमिका है। जीतेन जी आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से कर्मचारी अधिकारी संघ जो है हड़ताल करने के लिए अब एक ज्ञापन भी दे चुका है और चेतावनी भी दे चुका है, तो अब फिर से हड़ताल? देखिए, वर्ष 2016 से इस प्रदेश में जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी हैं, उनके पदोन्नति पे एकदम ब्रेक लगा दिया है सरकार ने। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जब निर्णय आया था तो हाईकोर्ट ने जो पदोन्नति नियम 2002 के बारे में टिप्पणी की थी, मध्य प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गई, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी 6 साल से पदोन्नतियां रुक गई। हमारा बार बार सरकार से ये कहना है कि आप जिस प्रकार से बिहार राज्य ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन जो दायर है उसके अधीन पदोन्नति देने का काम किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी यहाँ के कर्मचारी चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, न मैं सपाक्ष का प्रवक्ता हूँ न मैं अजाक्ष का प्रवक्ता हूँ, मैं तो इस प्रदेश के जो 7.5 लाख कर्मचारी हैं, जो हर वर्ग के कर्मचारी हैं, आज वो बिना पदोन्नति के आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि हमारे जैसे तहसीलदार 98-99 में नायब तहसीलदारों की डायरेक्ट पीएससी से भर्ती हुई थी, बाद में वो प्रमोशन पाके वो तहसीलदार हो गए। आज 2016 की स्थिति में जिन तहसीलदारों का पदोन्नति अगर डिप्टी कलेक्टर पे होता और उनकी सेवा गणना डिप्टी कलेक्टर की उस पर अगर होती है, जैसे 15 साल 16 साल 17 साल की नौकरी के बाद फिर उनको आईएएस अवार्ड होता है, तो जो हमारे तहसीलदार साथी हैं उनको 6 साल सरकार ने बिल्कुल उनका वरिष्ठता खत्म कर दी पदोन्नति नहीं होने के कारण, सरकार कब तक टालेगी? ये तो हमारी एक पदोन्नति एक मेन मुद्दा हमारा शुरू से बना हुआ है। दूसरा कि डीए की बात थी, अब डीए जैसे हमारा ये कहना है कि कोरोना की मार जो है वो पूरे हिंदुस्तान में थी, तो जब हमारे समीपवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य छत्तीसगढ़ राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपने कर्मचारियों को इस कोरोना काल के चलते आज 28% डीए दे रही है, तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 12% डीए क्यों नहीं, यानी कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी डीए मिलना चाहिए। लेकिन जीतन जी, इस तरीके से आप ही ने कहा है कि कोरोना की मार से प्रदेश बेहाल है और आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की ठीक नहीं है, माली हालत भी, खजाने खाली हैं, लगातार मध्य प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कहीं से रीजनरेट करने का रेवेन्यू, तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि कर्मचारी अनावश्यक सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हम अनावश्यक दबाव नहीं बना रहे हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि कोरोना कोई विशेषकर मध्य प्रदेश में तो उसकी मार नहीं पड़ी भाई, अन्य स्टेट की जो मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात कर रहा हूँ कि भाई अन्य स्टेटों ने कैसे वित्तीय मैनेजमेंट किया, कैसे वो अपने कर्मचारियों को वो दे रहे हैं, जिस प्रकार से समीपस्थ राज्य जो दे रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश से लगे राज्यों के कर्मचारियों को मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का 28% डीए हो गया है, तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी पीछे क्यों? कर्मचारी जबकि ये खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बोल चुके हैं कि कर्मचारी हमारे अंग है, कर्मचारी ही प्रदेश की सरकार, कर्मचारी क्योंकि प्रदेश की सरकार को चलाते हैं और कर्मचारी सरकार के कर्मचारी हैं, तो जब सरकार के कर्मचारी तो सवाल तो वही कि आखिर कर्मचारी फिर क्यों सरकार पर दबाव बनाते हैं? नहीं, दबाव क्या इसमें, देखिए कि हमने दबाव क्या है, ये तो हमारा राइट है, ये तो संवैधानिक हक है कि हमें कर्मचारियों को जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, और आप महंगाई का देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए कि जनवरी 2019 की स्थिति में पेट्रोल जो था 71 रुपये था, आज 112 रुपये है, गैस सिलेंडर 544 रुपये का मिलता था, आज 850-860 रुपये का है, हमारा खाने का तेल की स्थिति देख लीजिए। तो कई बार जिस तरीके से सरकार ने आपकी मांगे मानी, आपने विभिन्न विभागों के जिस तरीके से आपके 52 संगठन है प्रदेश में और 52 का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश का मुखिया यदि आप कहें उन 52 संगठनों का आपको तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 52 संगठन करते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, उनकी समय समय पर सरकार मांगे मानती है, उसके बाद भी कर्मचारी ये धमकी देते हैं कि अब इलेक्शन आने दो, ये होने दो, ये फिर क्या है, ये समझ में नहीं आता। नहीं, देखिए, हम सरकार को कोई धमकाने का काम नहीं करते, एक हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांगे प्रजातांत्रिक तरीके से रख सकते हैं,
और प्रजातांत्रिक तरीके से हमने जुलाई महीने में हमने जिला लेवल पे धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, माननीय विधायक माननीय सांसदों को हमने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया, मांग रखी, और एक दिन के हम सामूहिक अवकाश पर 29 जुलाई को गए थे, आप सबने देखा था। और 29 जुलाई का जो हमारा आंदोलन है पिछले 30 सालों के इतिहास में मध्य प्रदेश के इतिहास में एक सफल आंदोलन था। अब सफल आंदोलन के बाद हमारी जो मांगे हैं, हमने तीन मुद्दे लेके चले थे। एक इंक्रीमेंट का मुद्दा था हमारा, एक हमारा डीए का मुद्दा था, तीसरा हमारा पदोन्नति का। हम तीन कॉमन मुद्दों पे प्रदेश के 29 तारीख को हमने हड़ताल की थी। सरकार ने एक जो हमारा जुलाई 2020 और जुलाई 2021 का जो हमारा वेतन वृद्धि का आदेश किया, लेकिन उसमें जो हमारा जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि का जो एरियस था उसको साइलेंट रखा, उसको स्थगित रखा। ठीक है, हमने आंदोलन के बाद बैठक की, सभी संगठनों की ये राय हुई कि ठीक है, हमने एक सफल आंदोलन किया, हमने सरकार को यह बताने में सफल रहे कि हमारा प्रदेश का कर्मचारी, हमारा जो डीए है, पदोन्नति है, और भी हमारे जो विषय है उसको लेके नाराजगी है। अब यह सरकार का फर्ज बनता था कि सरकार कर्मचारी संगठनों के लोगों को बुलाती, टेबल टॉक होता, टेबल टॉक पे जो गैर अनार्थिक मांगे हमारी, ऐसी बहुत सी अनार्थिक मांगे हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार को के लोग जो बैठ के उसको लिंगाराम करने की कोशिश करते हैं। मैं पदोन्नति का विषय आपको बता चुका। दूसरा जो हमारा एक सहायक शिक्षक संवर्ग है, सहायक शिक्षक संवर्ग का 81 में जो सहायक शिक्षक जिस पद पे आया, आज 30 साल 32 साल 33 साल नौकरी करने के बाद आज वो सहायक शिक्षक है, उसको तनख्वाह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि क्रमोन्नति का लाभ होते होते उसको वेतन अच्छा मिल रहा है। लेकिन एक मान सम्मान की बात है कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने नसरुल्लागंज अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों के कार्यक्रम में ये कहा था कि हम आपको पदनाम देंगे। अभी आपने देखा तो पदनाम क्यों नहीं दिया गया? अभी आपने देखा कि पुलिस विभाग ने अपने यहाँ के पुलिस विभागों को जब पदोन्नति नहीं हो रही तो उन्होंने कहा कि टीआई को हम एसडीओपी का पदनाम देते हैं, एसडीओपी को एडिशनल एसपी का पदनाम। जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की नसरुल्लागंज में कि देंगे पदनाम, 2018 की घोषणा है, तो थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते क्योंकि अब कोविड काल का दौर चला। विश्वकर्मा जी, मुख्यमंत्री जी की 2018 की घोषणा है, हम कितना वेट करें? ऐसा नहीं लगता जैसे कर्मचारी बदलते रहते हों या कर्मचारियों का भाव बदलता रहता हो? हम यदि इलेक्शन की बात करें तो 2013 में कहीं भाजपा के पक्ष में ज्यादा मतदान, 2018 में डाक मतपत्र की बात करें तो उनकी ये 2018 में ऐसा कि कांग्रेस को ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिली, तो ये क्या कर्मचारियों का असंतोष है या फिर वास्तव में इतने सालों से भाजपा की सरकार है कर्मचारी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, सरकारें बनती हैं अपने काम के आधार पर। जब सरकार अच्छा काम करती है तो अच्छे काम पे जनता उसको वोट देके, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब 2003 दिसंबर में भाजपा की सरकार या मध्य प्रदेश में बनी थी तो कर्मचारी जगत पूर्ववर्ती सरकार जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी उससे काफी उद्वेलित था, और कर्मचारी जगत ने 2003 में भाजपा को सपोर्ट किया, और भाजपा ने जिस तरह से हमारे निर्णय किए, वो निर्णय हुए, वो भी आप अगली बार कभी बुलाएंगे तो उसमें भी बहुत सारी खामियां थी, उन खामियों को देखते हुए भी हमको 50% मर्जर का मामला हो, टाइम स्केल देने का मामला हो, चाहे 2009 में छठवां वेतन देने का मामला हो, कुछ ऐसे आदेश हुए कि कर्मचारी सरकार से खुश रहा। 2013 तक कर्मचारियों ने भाजपा को बहुत अच्छा साथ दिया क्योंकि संतुष्टि थी। बात बिगड़ी 2013 के बाद, जिस प्रकार से सरकार ने कर्मचारी संगठनों में एक तोड़फोड़ का काम किया, कर्मचारी नेताओं को लाल बत्ती देने का काम किया, कर्मचारी नेताओं को विधायक बनाने का काम किया, तो 2013 से तो अच्छी बात है ना कि कर्मचारी नेताओं को थोड़ा आगे ला रही है सरकार। नहीं, देखिए, आप एक नेता को संतुष्ट कर सकते हैं।